जी, पंकज तिवारी जी, संतोष सिंह जी, ये सभी संतोष सिंह जी कोच जी आप जा धन्यवाद सभी महानुभाव के शुभ कर कपड़ों से ये दिन प्रज्वलित है। और आज भोजपुरी इंडस्ट्री की अपनी लीग का सीजन टू शुरू होने जा रहा है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के तीन मूर्ति श्री मनोज तिवारी जी, श्री रवि किशन जी और श्री दिनेश लाल यादव जी, इन लोगों की लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में शुरू होने जा रहा है। और इसको साथ हमारे इंडस्ट्री के यश चोपड़ा बोलूंगा तो थोड़ा फिल्मी बात हो जाएगी, हम लोग के सम्मानीय श्री अभय सिन्हा जी और सुहास पासी जी जो विशेष कर इस कार्यक्रम के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री को सहयोग दिया है, साथ दिया है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री की एक अपनी पहचान है, एक अपनी ताकत है और पूरे हिंदुस्तान में हिंदी के करीब की भाषा होने की वजह से ये अपनी पहचान कभी खोता नहीं। इसको किसी सरकार की मदद नहीं मिलती, मगर न जाने इसमें क्या ताकत है कि जब भी गिरता है खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। और इसी एक शेर के साथ भोजपुरी की ताकत दर्शाते हुए मैं आपसे विदा लूंगा कि न जाने क्या बात है मुझमें कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, न जाने क्या बात है मुझमें कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है हरदम दौरे जहां हमारा। धन्यवाद कुणाल जी, चाहत तो यही है कि सभी सितारों को यहाँ पर सुना जाए, लेकिन हमारे मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी हमारे सितारों को बाइट लेने का आपको मौका दिया जाएगा। ओके, तो जैसा कि मुझे सूचना आ रही है कि आप जब सब आ ही गए हैं तो यहाँ पर उनको सुनने के लिए सभी आतुर भी हैं, तो मैं आप निवेदन करता हूँ हमारे बीच में जो मौजूद है सुभाष पासी जी से। जी हाँ, सुभाष पासी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग के बारे में अपनी जो विचार है वो प्रस्तुत करें और इस गैदरिंग के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। सुभाष पासी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके आज दशहरा के इस पावन पर्व पे लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में कुछ नए काम की शुरुआत जब करते हैं तो लोग सबसे ज़्यादा दशहरा के दिन इसकी शुरुआत करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भोजपुरी इंडस्ट्रीज के यहाँ पे आए हुए सभी कलाकारों को, खास करके कुणाल जी, हमारा छोटा भाई बच्चों की तरह दिनेश लाल यादव, परवेश लाल यादव, अभय सिन्हा जी, बाकी जितने भी यहाँ पे हमारे सम्मानित भोजपुरी इंडस्ट्री से जो लोग आए हैं, जो आप लोगों ने एक नई पहल शुरू की है, मेरा हमेशा से समर्थन भोजपुरी को है। भोजपुरी को एक उच्च स्तर का दर्जा मिलना चाहिए, जैसे और सब टीमों को और सब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम सब लोग मिल करके इस भोजपुरी समाज को, भोजपुरी की जो टीम है, जो एक नई पहचान बना रही है हिंदुस्तान के अंदर, और हमें देखना चाहते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों पर एक टीम पहुंचे। अभी अभी दिनेश लाल और परवेश से मेरी बात हुई, इन्होंने जो एक मुझे प्रपोजल दिया, और बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के दुआओं और आशीर्वाद से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। अरे, बहुत बड़ा स्टेडियम, शायद आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में उस स्टेडियम का उद्घाटन शायद नवंबर में होने जा रहा है, और एक अपने तरह का आधुनिक स्टेडियम है जिसमें क्रिकेट के अलावा होटल से लेकर के और भी सुविधाएं वहां पे रखी जा रही हैं। पहले तरह का एक स्टेडियम है कि वहां पे खिलाड़ियों को रहने की भी व्यवस्था की जा रही है। तो जिस तरह से परवेश ने मुझसे कहा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार की जो आप लोगों की चार मैच जो होने वाले हैं तीनों टीमों के, मैं उम्मीद और ये विश्वास दिलाता हूं कि एक बड़े पैमाने पे इसकी शुरुआत करेंगे। उसमें आज भोजपुरी समाज एक अपनी उच्च आकांक्षा के शिखर पे चढ़ रहा है,
और जिस तरह से आप लोगों ने भोजपुरी समाज को एक ऊंचाई दी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लखनऊ में ये कार्यक्रम हो। और कल ही मैं दशहरा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ। मैं प्रवेश और दिनेश से प्रपोजल लेकर के जल्द ही जल्द इसका अनाउंस होगा कि लखनऊ में ये कार्यक्रम आप लोग का चारों मैच का हो और एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया और मैं चाहता हूं कि इसी तरह समाज को आप लोग आगे लेके चलिए। मेरी दुआएं और मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। जय हिंद, जय समाज। शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं और कहता हूँ हमारे जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं निवेदन करता हूँ अभय सिन्हा जी से कि वो प्लीज अपने दो अनमोल शब्द हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें। भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस काम के लिए और भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी लोगों से हम अनुग्रह करेंगे कि इस प्रीमियर लीग को आगे बढ़ाएं। और हमने प्रदेश को पहले भी बोला है कि इसका जो भी फाइनल मैच होगा या तो आप कतर में या तो आप दुबई में करें, इसका जो भी खर्चा होगा या सी फिल्म उसका पूरा किया। क्या बात है। अब भोजपुरी की इंडस्ट्री की जो कोर कमेटी है, भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग की जो कोर कमेटी है, उनका आधा टेंशन तो इस बात का खत्म हो गया कि कहां पर खेलना है। लखनऊ भी हमारे पास और दुबई कतर भी हमारे पास है। अब ये डिसाइड करना है कि कॉम्पिटिटिव लेवल जो है वो किस तरह से और आगे बढ़े। हमारे एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, पंकज तिवारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया करके अपने दो शब्द माइक्रोफोन पर रखें। यहाँ बैठे सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा नमस्कार। मैं एक ही चीज कहूँगा, सबने अपनी अपनी बात रख दी, सबने अच्छी बातें रख दी। जब भी इंडस्ट्री के ग्रोथ की बात हो तो आपसी रंजिशों को छोड़कर हम लोग एक दूसरे का साथ दें, जैसा कि आज दे भी रहे हैं। बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। संतोष सिंह जी और दिनेश लाल यादव जी मौजूद हैं। संतोष सिंह जी सिंस हमारे भोजपुरी के कोच हैं, इसलिए मैं उनको लास्ट बट नॉट द लीस्ट रखूंगा। उनसे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे सबके लाडले चहेते और अपने ही किस्म के दबंग अंदाज के एक्टर माननीय श्रीमान दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो दो शब्द माइक्रोफोन पर रखें प्लीज। थैंक यू। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हैं। आप मीडिया के सभी बंधु और हमारे बड़े भैया सुभाष पासी जी सैदपुर से हमारे जिले से विधायक हैं, आपका स्वागत करते हैं। अभय भैया, हम लोग इंडस्ट्री के इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं जो भोजपुरी सिनेमा को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और हम लोगों के महानायक जिन्होंने ये भोजपुरी सिनेमा को इतना बड़ा बनाया, कुणाल भैया आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे टीम के कोच संतोष सर, हमारे पंकज भैया, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे भाई प्रवेश लाल यादव और उनके सभी साथी जो कोर कमेटी में हैं। आप लोगों के प्रयास से ही एक अच्छी शुरुआत हुई पिछले साल और ये और आगे बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हमारे भैया सुभाष पासी जी ने बताया कि मैच लखनऊ में बड़े पैमाने में करवाएंगे और फाइनल मैच के लिए हमारे अभय भैया ने भी कह दिया कि ये हम लोग विदेश में इसको कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये बढ़ता जाएगा। और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री एक साथ आ जाए, आपस में भाईचारा बढ़ाने का खेल से बढ़िया कोई माध्यम नहीं होता है। बचपन से हम लोग खेलते आए हैं और जब भी हम खेलते हैं लड़ते हैं, पर उसमें जो प्यार बढ़ता है, जो अपनापन बढ़ता है, वो कहीं और नहीं होता। तो इस खेल के माध्यम से ही पूरी इंडस्ट्री एक साथ हो जाए, यही चाहत है और इस चाहत को हमेशा हम कायम रखेंगे और हमेशा प्रयास करेंगे कि ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और आगे भी ये होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी हाँ, एकदम सही कहा दिनेश लाल यादव जी ने कि खेल चाहे वो क्रिकेट हो या किसी भी तरह का खेल हो, हमेशा से ही जख्मों पर मरहम लगाता है। महात्मा गांधी जी ने भी, स्वर्गीय महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि स्पोर्ट्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज योर एडुकेशन, जितना आपका शिक्षण शिक्षा शिक्षा जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण खेल भी है, इसलिए खेलते रहिए। और खेल कितना महत्वपूर्ण है, आई थिंक इस पूरे हॉल में सबसे बेहतर जानने वाला कोई है तो वो संतोष सिंह सर ही है। तो आइए अब मैं निवेदन करता हूँ संतोष सर से कि प्लीज वो अपने दो शब्द खेल से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग से रिलेटेड लोगों के समक्ष रखें। संतोष सर। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोग ने जो प्रवेश जी और आदित्य ने या जो भी हमारे सीसीएल लोग खेलते हैं उसमें जो क्रिकेट टीम है हमारी वो काफ़ी सीसीएल के लिए काफ़ी मेहनत करती है ग्राउंड पे। सो हर बार हमें ये सुनने मिलता है कि बहुत सारे जो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ऐसे खेलने वाले प्लेयर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है सीसीएल में खेलने के लिए। तो प्रवेश जी ने और आदित्य ने या दिनेश जी ने सभी लोगों ने मिलकर कोशिश की कि एक ऐसा कुछ टूर्नामेंट शुरू किया जाए जिससे इंडस्ट्री के सभी लोगों को मौका मिले। आई थिंक सीसीएल में ऐसा भी है कि शायद जो हमारे एक्टर्स होते हैं जो पर्दे पे हैं उन्हीं को चांस मिलता है, जो टेक्नीशियन या डायरेक्टर्स हैं उन लोगों को चांस नहीं मिलता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रवेश जी ने और काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को शुरू किया है कि BIPL एक भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए क्रिकेट का एक अच्छा जरिया है उनको अपना खेल दिखाने के लिए। और काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मौका नहीं मिलता सीसीएल में, तो उनके लिए भी अच्छा मौका है कि वो BIPL में अपना खेल दिखाकर सीसीएल में अपने अपॉर्चुनिटीज या जो भी उनको मौका मिले उसको एड्रेस करा सके। सो मुझे यही कहना है कि ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और आप लोग इसको अच्छे से भुनाइए और अच्छा कोशिश करिए कि ग्राउंड पे आप लोग अच्छा क्रिकेट खेलें और अच्छे से आप लोग अपने क्रिकेट को और बढ़ावा दें। और आई थिंक जिस तरह से आप लोग फिल्मों में हैं, फिल्मों में भी करते हैं, आपके काफ़ी मेहनत होती है, तो ग्राउंड पे भी आप लोग काफ़ी मेहनत करते हैं ये मैं 4 सालों से देख रहा हूँ। सो BIPL में भी आप उसी तरीके से अपना मेहनत करिए और अपने खेल को निखार कर हम लोग जैसे जैसे मैं कोच हूँ, अगर आप लोग कोच मुझे बुलाते हैं या एज अ क्रिकेट में आपका सिलेक्टर हूँ तो मैं काफ़ी कुछ ला, पिछले साल भी मैंने BIPL में देखा था काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे, पता नहीं वो किस रीज़न से वो लोग CCL के वक्त नहीं आ पाए प्रैक्टिस पे, बट मुझे अपॉर्चुनिटी आप लोग ज़रूर दीजिए कि मैं आप लोगों को ग्राउंड पे अच्छे से देख सकूं और उसमें से काफ़ी खिलाड़ी चुनकर CCL में हम लोग खेलें और जिससे CCL में भोजपुरी दबंग जो टीम है हमारी उनको काफ़ी फ़ायदा मिले। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जैसा कि सपना होता है कि भले एक ग्राउंड लेवल पर हम प्लेयर्स को चयन करें, उनमें जो चुनिंदा प्लेयर रहे उनको हम BIPL में सिलेक्ट करें, फिर BIPL के जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो CCL में खेलें, इसी तरह हम सभी भारतवासी। और आप सभी को पता ही है कि जो कुछ घटनाएं चल रही हैं अलग अलग इलाकों में, चाहे वो कश्मीर हो या फिर आसाम के पास हो या फिर अलग अलग जहाँ पर भी बॉर्डर्स आते हैं, बहुत सारे हमारे रियल हीरोज जो हमारे नौजवान बहादुर लड़ते रहते हैं बॉर्डर्स पर, अपने जान की आहुति देते हैं मरणोपरांत, अपने देश के लिए लड़ते रहते हम लोगों के लिए, ताकि हम इस देश में सुखी सुखी जीवित रहें और अपनी जिंदगियों को गुजार सके। ऐसे बहुत सारे जवान हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी है। हम उन सभी को आज 2 मिनट का मौन व्रत देते हुए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मैं चाहूंगा सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं, क्योंकि नो डाउट भोजपुरी में कार्य करने वाले जितने भी एक्टर्स यहाँ पर हैं, एक्ट्रेस यहाँ पर मौजूद हैं, नायक लोग मौजूद हैं, सभी प्रोड्यूसर भी मौजूद हैं, लेकिन असली हीरो अगर कोई है हमारे देश के तो वो हमारे नौजवान हैं, और उनमें से कुछ नौजवान जो शहीद हो चुके हैं, आइए 2 मिनट का मौन व्रत उन सभी नौजवानों के लिए।
धन्यवाद। मैं सभी मेहमानों को धन्यवाद देते हुए निवेदन करूंगा कि कृपया करके अपने जगह पर पधार जाएं। थैंक यू सो मच सभी मेहमान, अमर कुणाल सिंह जी, पंकज तिवारी जी, सुभाष पारसी जी, अभय सिन्हा जी, दिनेश लाल यादव जी और संतोष सिंह जी, ये सभी हमारे मेहमान जो मंच पर रहे। उनके हाथों से शुभ कर कमलों से कार्यक्रम का इनॉग्रेशन हुआ और अच्छा लगा कि आज का ये दिन, कहते ना कि आज के इस शुभ अवसर पर जो हमारा रिश्ता है उसको और पुख्ता कर रहे हैं हम लोग। मैं प्लीज़ मीडिया कर्मी जो यहाँ पर मौजूद है, मुझे बार बार माइक पर बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग मुझे बार बार बोलने पर मजबूर कर दे रहे हैं। आप लोगों को मौका मिलेगा, जितने चाहिए उतनी फोटो खींच लीजिए, सेल्फी खींच लीजिए, फोटो खींच लीजिए, वैसे भी आजकल का दौर सेल्फी का ही है, जितना दिल चाहे उतना खींच लेना। लेकिन प्रोग्राम के बाद मीडिया इंटरेक्शन का भी मेरा जो शेड्यूल है उसमें लास्ट टाइम यही है मीडिया इंटरेक्शन, तो आप लोग दिल खोल कर फोटो खींचिएगा, जो भी बातें करनी होगी हमारे सितारों से कर लीजिएगा, लेकिन जो कार्यक्रम यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है उसे प्लीज बीच में नजरअंदाज न करें। तो मैं बात कर रहा था कि जो ये हमारा रिश्ता है भोजपुरी इंडस्ट्री का, आज के इस शुभ पावन अवसर पर इस रिश्ते की पुनः एक नवी शुरुआत, और मैं तो कहूंगा ये BIPL की है सौगात, और ये भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा यूं ही रहे साथ साथ ऊपर वाले से आज के इस पावन अवसर पर, बस मेरी यही है फरियाद। BIPL सीजन 2 टीम अनाउंसमेंट डे है, लेकिन इससे पहले कि मैं BIPL 2 की टीम के बारे में आप लोगों को बताऊं, मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा BIPL के बारे में। ये जो शब्द BIPL है, भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग, हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के अलग अलग इवेंट्स देखे हैं, टूर्नामेंट देखे हैं जिसमें हम एक्टर्स को खेलते हुए देखते हैं, बहुत सारी हीरोइंस वहां पर सपोर्ट के लिए रहती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग इन सभी इवेंट से किस तरह डिफरेंट है? सबसे पहली बात जो भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग ने करके दिखाई वो ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग में सिर्फ एक्टर्स या एक्ट्रेसेस नहीं, उनके साथ साथ जितने भी लोग हैं, चाहे वो टेक्नीशियन हो, जो बात संतोष सर ने भी कही, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, जिस किसी के भी दिल में चाहत है कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, वो भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग का हिस्सा हो सकते हैं अगर वो भोजपुरी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। ये यूनिक बात है और ये सबसे बेस्ट बात है भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग की, जो आई थिंक और किसी भी सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच में नहीं है। तो इसके लिए मैं भोजपुरी इंडस्ट्री वालों का एक बार तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं, जोरदार तालियां बजाएं भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग कोर कमेटी के लिए। सीजन 1 पर नजर डालते हैं, जहां तक मेरी याद दहानी है, जहां तक मेरी याददाश्त मुझे याद दिला रही है, 24 और 25 अक्टूबर का दिन था जब भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग सीजन 1 खेला गया। 2 दिनों का इवेंट था, हमने देखा उसमें कड़े मुकाबले हुए, रोमांचक मुकाबले हुए, सभी ने दिल खोल कर धमाल किया, मौज किया, मस्ती की, वहां पर इंटरटेनमेंट हुआ। 10-10 ओवर का मैच था। अब कोई भी चीज हमने देखी है कि एक बार अगर किसी चीज का बेंचमार्क सेट हो जाए तो दोबारा अगर उस चीज को करना हो तो जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं या जो कोर कमिटी होती है उनके दिमाग में यही बात चलती है कि जब इतने अच्छे लेवल का एक हो चुका है इवेंट तो इस बार क्या नया किया जाए। मुझे तो अभी भी बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं सीजन 1 की, जिसमें मनोज तिवारी जी के टो पर गेंद लगी, उनका जो अंगूठा था वो लहू लुहान हो गया, खून आ गया उसमें से, ट्विस्ट हो गया, उसके बावजूद भी वो मैदान पर रहे। फिर नेक्स्ट डे भी वो मैदान पर आए, पैडअप करके तैयार भी थे मैदान पर उतरने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिल पाया मैदान तक जाने का। तो ऐसा इतना डेडिकेशन है लोगों के अंदर, मनोज तिवारी जी वहां पर मौजूद थे, दिनेश लाल यादव जी ने भी बेहतरीन खेल खेला था, लगातार 2 इनिंग में सिक्सर और चौके से उन्होंने अपनी इनिंग की शुरुआत की थी, सभी टीमों ने अच्छा खेला था। कहते ना कि कुछ चीजें ऐसी रहती है जो दिल में घर कर जाती है। मुझे वो एक शेर भी यहाँ पर याद आ जा रहा है कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसे मेरे प्यार पे शक आज भी है, नाव में बैठ के धोए तो उसने हाथ अपने कभी, पूरे दरिया में मेहंदी की महक आज भी है। तो ये वो सभी दिन थे, वाकई बहुत बेहतरीन दिन था वो।
अब इन सभी चीजों को फिर से जीने के लिए और अच्छे लेवल पर जीने के लिए मैं आपको बताता हूँ BIPL 2 में क्या क्या खास बात है। BIPL 1 दो दिन का था, BIPL 2 चार दिन का होगा। BIPL 1 10 10 ओवर के मैच थे, BIPL 2 20 20 ओवर का मैच होगा। BIPL 1 एक ही ग्राउंड पर खेला गया था और BIPL 2 अगर सभी चीजें प्रॉपरली मैनेज हुई और जिस तरह से लोगों ने उम्मीदें जताई है सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ तो वो एक से ज्यादा ग्राउंड होगा, मतलब दुगना मजा, दुगना धमाल, दुगना एंटरटेनमेंट और दुगना एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। जोरदार तालियां हो जाएगी। यह है BIPL 2 भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग 2 डबल सभी कुछ, आप चाहे ओवर्स की बात कर लें और इसमें कॉम्पिटिटिवनेस जो है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल है टीमों के दरमियान वो भी ज्यादा होने वाला है क्योंकि जो चुनिंदा प्लेयर्स हैं उनको टीमों में डिवाइड करने के बाद एक चीज ये भी अब तक डिस्क्लोज नहीं की गई, लोगों को बताई नहीं गई कि कौन सा खिलाड़ी कौन सी टीम में है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि टीम अनाउंसमेंट डे तक किसी भी खिलाड़ी को पता नहीं कि मैं मनोज तिवारी जी की टीम में खेलूंगा या फिर रवा जी की टीम में खेलूंगा या फिर रवि किशन जी की टीम में खेलूंगा।